कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, आइए इस वीडियो से सीखते हैं। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करना है। स्टार्ट पे गए, यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे हमने यहाँ क्लिक किया। आपके सामने इस तरह से वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां पर टाइप कैसे करें, देखिए मैं यहां टाइप करने की कोशिश करता हूं, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ये इंग्लिश में टाइप कर रहा है, अभी जी आया, एच प्रेस किया, के, तो हिंदी में टाइप नहीं हो रहा। हिंदी टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पे फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो जो हिंदी का फॉन्ट है वो है, हिंदी का जो फॉन्ट है उसका नाम है कृति देव 010। यह हिंदी का ऑफिशियल फॉन्ट है, इसे आपने यहाँ पे चूज करना है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में यहाँ पे ये फॉन्ट लिस्ट में ना हो, अगर ये फॉन्ट लिस्ट में ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉन्ट के सेटअप को डाउनलोड करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जिसमें से आप इस फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए, फिर आपकी इस लिस्ट में यह शो हो जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। कृतिदेव 010 को आपने सिलेक्ट किया, अब आप जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी में आएगा। यह बिंदी आई, एस मैंने प्रेस किया तो मात्रा आ रही है, डी प्रेस किया तो के आ रहा है, एफ प्रेस किया तो छोटी की मात्रा आ रही। अब किस करेक्टर में कौन सा अक्षर हिंदी का है ये जानने के लिए मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है, तो आप देखिए यहां पे ध्यान से आप देख सकते हैं, और अगर आपने टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड से वी प्रेस करना है। कीबोर्ड में वी जहां पर है उसे प्रेस करते ही अ आएगा। कंडीशन एक ही है कि आपका जो फॉन्ट है वो कृतिदेव होना चाहिए, अगर कृतिदेव है तो अ आएगा, अगर कोई अन्य है तो वी आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, बस एक ही बात आपने ध्यान रखना है कि आपका फॉन्ट सिलेक्शन में कृतिदेव होना है, बाकी वी से अ ही आएगा। और अब आ लिखना है तो आ के लिए क्या करना होगा, V से अ बना और उसके साथ एक मात्रा लग जाती है, वो K से आएगी, स्मॉल V स्मॉल K, ध्यान से देखिए, लोअर केस में V लोअर केस में K, E के लिए B, बड़ी E जो है दो करेक्टर से बनती है, B से और कैपिटल Z से, M से U बनेगा, M से U बनेगा और बड़े ऊ के लिए आपको कोड प्रेस करना है। कुछ मात्राएं कुछ अक्षर हिंदी के कीबोर्ड में कोड से आते हैं। कोड क्या है, आपके कीबोर्ड पे एल्ट है, एल्ट को प्रेस करके आपने 0197 प्रेस कर देना है तो बड़ा ऊ आएगा। री के लिए आपने अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर जो है पी के ठीक ऊपर जहां से माइनस का निशान लगता है उसको शिफ्ट के साथ लगा देंगे तो अंडरस्कोर है री आ जाएगा। ए के लिए आपने कॉमा, जो आप कॉमा यूज करते हैं, ए के लिए आपने कॉमा के साथ एस, एस से मात्रा लगती है तो ए बन गया, और ओ के लिए वी यानी जो अ था, आ की मात्रा यानी क, पहले आ लिखा फिर उसमें ओ की मात्रा लगा दी। उसके बाद है औ, औ के लिए वी के एस यानी अ लिखा फिर आ की मात्रा लगाई फिर दो मात्राएं ए की लगा दी कैपिटल एस से, अ लिखा उस पे बिंदी लगा दी ऐसे बन गया अंक, आ के लिए वी के साथ परसेंटेज। तो आपका ये अल्फाबेट, आप अक्षर में हम कहेंगे तो आपके स्वर पूरे हुए।
मात्राएं किस अक्षर से कौन सी है, आ के लिए के है, इसे आप लर्न कर लें या इस चार्ट को आप प्रिंट आउट करके रख लें। छोटी ई के लिए एफ है, बड़ी के लिए एच है, ऊ के लिए क्यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डब्ल्यू, ए के लिए एस, ए के लिए कैपिटल एस, ओ के लिए के यानी आ प्लस एस यानी दो अक्षरों से ये मिलके बनेगा ओ के लिए, और ओ के लिए के और कैपिटल एस, अंक के लिए ए है, परसेंटेज से आ की मात्रा है, री के लिए आपको एक्यूट का साइन लेना जो एस्केप के ठीक नीचे होता है, उससे री की मात्रा आएगी, और जेड से स्मॉल जेड से र आएगा जो जैसे प्र में लगा होता है, क्र में लगा होता है, नीचे पैर पे लगने वाला र, और कैपिटल जेड से आपको ऊपर का र मिलेगा जैसे परिवर्तन में लगता है, वो आपको जेड से मिलेगा। ई के ऊपर भी वही लगा है, और चांद के लिए एल्ट के साथ 0161, और ये वाला साइन अगर आपको चाहिए जो हिंदी संस्कृत में ज्यादा यूज होता है, तो इसके लिए आपको एल्ट के साथ 0183 प्रेस करना है। ये रहा दोस्तों स्वर के बारे में, स्वर और मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मात्राएं सीख लेते हैं तो आप किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा यूज कर सकते हैं। हम इनका प्रयोग करके देखते हैं, तो खाली पेज पे हम यहाँ पे आते हैं। हम इस तरह से करते हैं कि हम दो पेजेस ओपन कर लेते हैं, ये वाला हमने लिया, इस पीछे वाले से देख के हम इस पे टाइप करेंगे क्या ये बात सही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉन्ट चूज करना जो कि हमने कर लिया। अब हमें अ प्रेस करना है, तो मैं कीबोर्ड से वी प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए अ आ रहा है, जैसे स्पेस दिया वो ट में कन्वर्ट हुआ। ऐसा अ के साथ बहुत बार होगा, जब ऐसा हो जाए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापिस अ आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, वी प्रेस किया अ आ गया, स्पेस करेंगे, सेकेंड टाइम आप करते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होता, फर्स्ट टाइम ये ट में कन्वर्ट हो जाता है। अ के बाद आ लिखना है, अभी आपको आ लिखना है, आ के आप बनावट देखें, अ प्लस आ की मात्रा, तो अ के लिए हम वी करेंगे, आ की मात्रा हम जानते हैं, यहां पे अगर आप देखें आ की मात्रा के लिए के प्रेस करना है, यानी अ लिखने के बाद बिना स्पेस के आप के प्रेस करिए स्मॉल में, तो आ बन गया। उसी तरह ई के लिए बी प्रेस किया, बड़ी ई के लिए बी प्रेस करने के बाद उस पे ऊपर का रॉ लगा देना है, तो जो जेड से आएगा, जेड स्मॉल से नीचे का रॉ आता है, कैपिटल शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऊपर का रॉ आ जाएगा। इसी तरह एम प्रेस करते ही स्मॉल ऊ होगा, कैपिटल ऊ के लिए एल्ट के साथ आपको कोड प्रेस करना है 0197, और यह कोड प्रेस करते ही ऊ आ जाएगा। री के लिए आपको शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर करना है, सिंगल कोमा से ए आएगा, और सिंगल कोमा और एस से ए आ जाएगा। ओ के लिए पहले हमने अ लिखा, ओ के बाद हमने आ की मात्रा के से लगाई, उसके बाद एक मात्रा जो कि एस से लगती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगा दी तो ओ बन गया। इसमें तीन चीजें यूज हुई, अ आ और ए की मात्रा, तो बन गया ओ। इसी तरह ओ बनाना है वी, यानी फिर आ की मात्रा और कैपिटल एस, दो मात्राएं हो गई। अंग के लिए अ लिखा और उसके बाद बिंदी लगा दी ए से, आ के लिए अ लिखा और उसके बाद परसेंटेज से आ बन गया। तो यह हमारा अल्फाबेट तैयार हो गया। अब इसी तरह से मात्राओं में बहुत इंपॉर्टेंट मात्राएं अगर है तो आ की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, ई की मात्रा, ये एफ से होगी। आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, एफ प्रेस करेंगे तो ई, जब ई की मात्रा आपको लगानी है तो यहाँ पे एक सावधानी रखनी है कि हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, पहले हमने लिखा करेक्टर, जैसे हमने इंग्लिश में हम के लिखते हैं उसके बाद ई की मात्रा लगाते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं होगा। के इसमें क्या होगा, पहले मात्रा लगी फिर उसके बाद आपने क लिखना है, तब ये पहले मात्रा हम इस तरह कहेंगे
मात्रा और उसके बाद क, तो सॉरी बड़ी ई में पहले क लिखा फिर उसके बाद मात्रा लगा दी। इसके बाद आगे देखिए अल्फाबेट अगर हो गए, इसको बिल्कुल आप ऐसे ही अपनी नोटबुक पे रख लीजिए, आप ऐसा ऐसा प्रेस करेंगे तो यही मात्राएं यही अक्षर आएंगे। ये अक्षर जो बने हैं जिनमें भी डबल है वो इन्हीं मात्राओं के साथ के सहयोग से बना है। अब क प्रेस करना है तो डी सिंपल अल्फाबेट में। इस तरह ख के लिए आपने ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट और के। ग के लिए जैसे ख जो है वो दो अक्षरों से बनता है, जब आप इसको करेंगे तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे देख लीजिए। ख के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो ये आधा आ रहा, फिर आ की मात्रा जो आपने जानी थी के से लगती है तो ख बन गया। बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे, यहाँ पे मात्रा नहीं है, यहाँ पे जोड़ा गया है इसलिए ख बनता है, ख इसी तरह बनता है। ग सीधे अक्ष से आता है, घ के लिए आधा घ और आ की मात्रा, यहाँ भी के यूज हो रहा है, यहाँ भी के यूज हो रहा है, आप नोट करें तो बहुत सी जगह पे के यूज होना है। घ के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है और उसके बाद आ की मात्रा लगा देनी है। तो हमने टेस्ट से जाना कि ये मात्राएं इसी तरह से हैं। अब अंग के लिए कोई करेक्टर नहीं है तो इसके लिए कोड है Alt+0179। इसी तरह से च छ ज झ के लिए पी एन टी, एन कैपिटल है और उसके बाद ग्रेटर देन, और लास्ट जो इनका पंचम अक्षर है उसके लिए कोड है। नेक्स्ट लाइन में आप देखें वी से अ भी बनता है और ट भी बनता है, डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल है, यहाँ देखिए ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, यानी ट ठ ड ढ वाली लाइन में ये तीनों करेक्टर कैपिटल है। अगर ये स्मॉल करते हैं तो कुछ और आएगा, कैपिटल करते हैं तो यही आएगा, यानी वी कैपिटल करते हैं तो ट आएगा, स्मॉल करते हैं तो अ आएगा। इस डिफरेंस को आप जान लें। इस तरह से न में फुल स्टॉप से आधा न आएगा और के से आ की मात्रा से वह पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट है त थ ध ध न, इसमें आधा रो यानी स्मॉल रो कैपिटल एफ के साथ थ आधा थ बनता और के करके देखते हैं। तो हमने एफ किया तो छोटी ई की मात्रा है, शिफ्ट के साथ एफ किया तो आधा थ बना, के साथ हुआ पूरा हो गया। इसके बाद ग के लिए एन है, ध के लिए भी आपको स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश और के लिखना है, यहां भी के का यूज है, के आ की मात्रा के लिए है, यहां भी के का यूज है। मैंने कहा कि के से बहुत से अक्षर बनते हैं तो के को आप ध्यान रखिए, आ की मात्रा जहां भी दिखती है वो दो अक्षरों से बनता है, वो के साथ पूरा किया जाता है, यू से एन आएगा। प फ ब भ म, आई क्यू सी एच कैपिटल के स्मॉल, यहाँ भ आधा आएगा फिर के से पूरा हो जाएगा। इसी तरह य र ल व श, यहाँ भी श आधा आएगा के से पूरा कर दिया जाएगा। हर वर्ग में कहीं ना कहीं के का यूज हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, श स ह क्ष त्र ज्ञ, के का यूज यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे एल से हो जाएगा, जी से ह होता है, क्ष जो है फिर के का यूज हो रहा है और त्र इक्वल टू और ज्ञ में कैपिटल के। तो ये आपका व्यंजन भी पूरे हुए। अब कुछ कोड हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, जब भी आपको कोई मात्रा लेनी है तो आप कोड से भी ले सकते हैं, लेकिन जिनके लिए अक्षर हैं उनके लिए कोड यूज नहीं करना, जिनके लिए कोड, जिनके लिए कोई की नहीं है उन्हीं के लिए आपने कोड यूज करना है। इस तरफ जो है दिखाया गया है कि चांद बिंदु लेना है तो अक्षर है चांद बिंदी, चांद बिंदु, और आगे चंद्र बिंदु इसे हम कहते हैं, कोड इसका Alt-0161। ख के नीचे र लगाना है, ये किसका है, र का है, तो कैसे आएगा इस तरह से त्र, ट के नीचे र लगाना है तो कोड ये यहाँ पे ये दिखाया गया, तो आप ब्रैकेट लगाना है, कुछ और भक्ति लिखना है, त के साथ त लगाना है तो आपका कोड ये रहेगा। इससे भी आप कोड यूज करके आप हिंदी लिख सकते हैं।
तो हम यहां पे कुछ लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान हमने लिखना है। तो जो हम देखेंगे कहां से बनता है, जो हमारा टी से है तो हम टी प्रेस करेंगे स्मॉल, जो हो गया। अब इसके बाद यो हमने लेना है, तो यो हम देखेंगे, अगर ये प्रिंट आउट करके रखा हो तो ज्यादा आसान है, य र ल व, तो ये सेमी कॉलन से आता है। इसके बाद हम सेमी कॉलन प्रेस कर देंगे, जैसे ये आधा हो जाए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड आधे को फिर पूरा कर देता है। अब स्पेस किया, जवान के लिए हम जानते हैं कि टी से ज होता है, व हम देख लेते हैं, व जो ओ से हो रहा है, ओ प्रेस किया, आ की मात्रा के से कर दी, न के लिए आपको यू प्रेस करना है तो आपने यू प्रेस किया, जय जवान, फिर स्पेस, जय फिर से लिखना है तो टी और सेमी कॉलन जय। अब किसान हमने लिखना है तो आप देखिए किसान में छोटी ई की मात्रा लगती है, तो छोटी ई की मात्रा कहां से लगनी, एफ से लगनी, एक तो हमने एफ लेना है और फिर क यूज करना है डी से। सबसे पहले मात्रा लेनी है, एफ से हमने मात्रा ली, अब इसके बाद क हमने डी से लिखा कि अब सौ के लिए एल यूज करना है, तो एल, आ की मात्रा हम जानते हैं के से लगती है कि सान, नौ, नौ अभी हम यू से करेंगे, तो ये हमने यू प्रेस किया, जय जवान जय किसान। इस तरह से इस लाइन को आप बार बार लिखिए, बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ अक्षर आपको याद हो जाएंगे। कीबोर्ड पे अगर आप ध्यान दीजिए, कीबोर्ड पे कुछ बनावट इस तरह है कि जो पहली लाइन है उसमें कीबोर्ड की बनावट कुछ इस तरह से है, कीबोर्ड की बनावट कुछ इस तरह से है, जो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, इसको अगर आप टाइप करें तो आप ध्यान से देखिए, क्यू डब्ल्यू ई, स्पेस करते हुए करता हूं मैं, क्यू के बाद डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी। तो पहले क्यू और डब्ल्यू से दोनों ऊ कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद है मत, इसको अगर आप जाने, मत जल नप वच, इस लाइन को अगर याद कर लें, मत जल नप वच, तो आपका पहली लाइन में आपने बहुत सारे करेक्टर, लगभग आठ करेक्टर आपने याद कर लिए, मत जल नप वच, इस तरह कहा जा सकता है ऊ ऊ मत जल नप वच। इस तरह से आप बोलते जाइए, दिन में कम से कम 10 बार बोलिए, तो होगा क्या कि मत जल नप वच आपको एकदम से क्लियर होगा कि पहली लाइन में ये सब कुछ आता है और आप बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। और जो मात्राएं हैं अगर आप ध्यान से देखें तो मत जल ई आर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ये आपका क्वेरिटी कीबोर्ड की पहली लाइन है, आगे आपका कीबोर्ड है जिसका नाम है क्वेरिटी कीबोर्ड। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर आप क्वेरिटी लिखते हैं तो मत जल नपवच आ जाएगा, उ उ मत जल नपवच। मात्राएं, मात्राएं कैसे कृतिदेव में यूज होती हैं, मात्राओं के लिए आपको कुछ करेक्टर यूज करने हैं, हम ध्यान से देखें, पहली लाइन में है क्यू से छोटे ऊ की मात्रा, डब्ल्यू से बड़े ऊ की मात्रा, दो मात्राएं ऊपर की लाइन में है, टॉप लाइन में, टॉप रो में, दो करेक्टर में, उनके ठीक नीचे ए एस आता है, तो ए एस में ए से बिंदी लगती है, एस से ए की मात्रा लगती है, एस से ही कैपिटल एस से दो मात्राएं लगती है, एस से सिंगल मात्रा लगती है, स्मॉल एस से सिंगल मात्रा लगती है, कैपिटल से दो लगती हैं।
और इसके बाद F से E की मात्रा और H से बड़े E की मात्रा, यानी मिडल रो में कितनी मात्राएं हैं? एक बिंदी लगी, S से दो मात्राएं हुई, F से एक मात्रा हुई और H से हुई। होम रो में ही आपकी पांच मात्राएं हैं और बॉटम रो में र की मात्रा जेड से है और कैपिटल जेड से ऊपर का र है। तो यही मात्राओं से सारी मात्राएं बनती हैं, बस आपको यही मात्राएं याद करनी है। अब कैसे बनती हैं हम देखिए, अब इसको हम समझते हैं। ऊ और ऊ तो आपको क्लियर है, ये दो मात्राएं जो हैं स्थिर रहती हैं, इनसे कोई और मात्रा नहीं बनती। अब आ की मात्रा के से है, ये भी होम रो में है, होम रो में ही सबसे ज्यादा आपकी मात्रा है। ऊपर की रो में दो मात्राएं हैं और लास्ट रो में तो दो ही, एक ही और दो मात्राएं। सारी मात्राएं कहाँ आती है? होम रो में आती है, ए एस डी एफ जी एच के एल में। इसमें सारी मात्राएं जब भी आपको टाइप करना तो मात्राओं की जरूरत पड़ती है, तो आपको होम रो में ही जाकर के सर्च करना होगा ऊ को छोड़ करके। अब आ की मात्रा के से आई, ई की मात्रा आपको चाहिए तो एफ से आई, बड़ी की मात्रा एच से आई, ऊ की मात्रा दोनों ऊपर की रो में है क्यू डब्ल्यू से, इनके ठीक नीचे ए की मात्रा चाहिए तो आपको एस से लेनी है, ए की मात्रा चाहिए कैपिटल एस से कर दी, होम रो से ही हो रहा है। ओ की मात्रा इसके बाद अगर आती है तो आपको पहले आ की मात्रा लगानी है के से, उसके बाद एस से ए की मात्रा ओ बन गया। ओ की मात्रा लेनी है के लिया, यानी आ की मात्रा ली, उसमें कैपिटल एस से दो मात्राएं ले ली, ओ बन गया, ओ ओ हो गया। अंक की मात्रा के लिए बिंदी यानी ए से लगनी है, आ की मात्रा जो है परसेंटेज में रहती है, तो मात्राएं सारी आपकी यहीं से हैं। अगर आपको मान लीजिए प्र लिखना है, मत जल न पवच न पवच, तो आप जानते हैं आई में प है और इसके नीचे रो लगाना है तो आपको जेड प्रेस कर देना है। इसी तरह से आपको लॉ के नीचे रो लगाना है तो लॉ वाई से लिखा और नीचे जेड लगा दिया। अब किसी भी अक्षर के ऊपर जो आपको रो लगाना है तो आप क्या करिए, वो अक्षर लिखिए, जैसे पॉ लिखा और उसके ऊपर कैपिटल जेड लगा दिया तो ऊपर रो लग गया। अब परिवर्तन आपने लिखना है, पॉ लिखा इसके बाद छोटी की मात्रा लगती है, रो आपने लिखा जे से और व आपने लिखा वॉस ओ से। अब तो के ऊपर मात्रा लगनी है तो पहले आप तो लिख लीजिए और फिर मात्रा कैपिटल जेड से लगाइए। एक बार फिर टेबल की ओर आते हैं। ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। ये वाला जो चैनल है हिंदी फॉन्ट चार्ट, इसके डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है आप यहां से ध्यान से देखिए, यहां पे आपके सामने नीचे जो नाम लिखा होगा उसके ठीक नीचे शो लेस या शो मोर लिखा होगा, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या आप मोबाइल यूज करें तो कैरो बना होता है, उस पर आप क्लिक करिए तो नीचे लिखा होगा फॉन्ट चार्ट, क्लिक करें। जो पहला है वो चार्ट के लिए है, इसको हम चार्ट कह रहे हैं, फॉन्ट चार्ट कह रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसे फॉन्ट चार्ट कह रहे हैं हम। ये एमएस वर्ड में बना है और एमएस वर्ड का ही ये पेपर आपको चाहिए तो आपने फॉन्ट चार्ट के लिए पहले लिंक पे क्लिक करना है। ये इसके बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा, उस पे आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा है फॉन्ट डाउनलोड, अगर किसी के सिस्टम में फॉन्ट नहीं है तो फॉन्ट कहाँ से लाएं, बस आपको क्या करना है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस लिंक पे क्लिक कर देना है, फॉन्ट डाउनलोड करें और आप के फॉन्ट डाउनलोड होने के लिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। फॉन्ट डाउनलोड हुए उसके बाद उनमें इंस्टॉल बटन होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होते ही आप एमएस वर्ड में कृतिदेव फॉन्ट को यूज कर सकते हैं और हिंदी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।